और जैसा कि हम सभी के बीच में हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय परम आदरणीय विक्रम सिंह जी, विक्की भैया उपस्थित हो चुके हैं, और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत करिए। और पहली बॉल आप लोगों तक जा चुकी है, दूसरी बॉल कम हो जाएगा। एक बात और कि ये जितना भी कार्यक्रम हो रहा है यूं ही इतनी आसानी से नहीं हो जाता, बहुत मेहनत लगती है और खास तौर पे आप लोगों का ख्याल रखा गया है। तो यही कहना चाहता हूं कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। क्या कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं, और सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। भैया पहले जज आ चुके हैं, ये अपना नाम बताएंगे। भैया आप अपना पूरा नाम पता सब कुछ बताइए। अरमान खान अमर पाटन। ये है भैया अरमान खान जी अमर पाटन से। अरमान खान अमर पाटन, फिर से बॉल फेंकी जाए। भैया लाला आप स्थान ग्रहण करिए। भैया आप जज हैं, आप जज हैं, जल्दी जल्दी पिकवा देते हैं जिससे टाइम ना लगे। उनको आने दीजिए और फिर से तीसरी बॉल भी फेंकी। भैया तीसरी बॉल ये तीसरे जज के लिए है, पार निकल गई क्या? वो आए उनके आने का मतलब बॉल रिटर्न होके आ गई, किसी के हाथ में नहीं आई। वो फिर से फेंकिए, एक बार फिर से जोर लगा रहे हैं, टूटिएगा इस बॉल पे, देखते हैं किसके पास जाती है। और ये बॉल गई किसी एक बंदे के हाथ पे, लेकिन वो हाथ किसका है अब ये तो वक्त ही बताएगा कौन इस मंच तक आएगा। अगला जज हमारे जितने भी जूरी मेंबर हैं, पांच जूरी मेंबर होंगे यहाँ पे। और बॉल फेंकिए, कितने हो गए? तीन हो गए। अभी आ रहे हैं जज वगैरह। रहना सर आपको इसके अंदर गिरे ये बॉल, ताकि हमारे वीआईपी लोग भी जो आए हुए हैं अपना खास वक्त निकाल के, जिन्होंने हमेशा सहयोग किया है, बिल्कुल कैच करिए, ये देखते हैं किसके पास जाती है बॉल। और बिल्कुल सही कैच पकड़ा, अब देखते हैं ये बॉल कहीं वीआईपी गिरे से बाहर तो नहीं निकल गई। लेकिन भैया अगर वो हमारे घर के हो तो बताइएगा। हमारे परम आदरणीय अमित सोनी जी, अमित भैया पूरी नजर रख रहे हैं कि बॉल जो है किसके हाथों पे गई। अरे वाह भैया, ये बालक सेकंड जज हुआ है। क्या बात है, हमने कभी सोचा नहीं था तुम इस उम्र में जज बन जाओगे। ये है भैया पीयूष सिंह गहरवार। पीयूष जी कहाँ से हैं आप? रामपुर से है। क्या बात है, रामपुर के लोगों की तादाद काफी ज्यादा है और उनका प्यार भी भरपूर मिल रहा है। बैठिए। किस गांव के हैं भैया? यूपी, उत्तर प्रदेश। यूपी से आए? उत्तर प्रदेश में कहां से? जिला रचकारी। मिर्जापुर जिला रचकारी से। मिर्जापुर से आए हैं हमारे लिटिल जज, और देखा जाए इनकी उम्र तो अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको बहुत कम उम्र में एक बहुत बड़ा और तीसरे जज हार मिल रहा है। बैठो बैठो बैठो। हाँ बोल, बैठो और फेंकिए भैया। देखिए सभी की नजर इधर होनी चाहिए, ये तीसरी बॉल, आप सॉरी चौथी बॉल आपके पास आ रही है। ए बॉल गई किधर? अरे वाह, आहिस्ता से सहयोग बना के
कार्यक्रम में सहयोग बनाए रखे। और एक बॉल वीआईपी में जो मारी गई थी वो हमारे पापा जी को मिल गई है। वाह, अंकल का आशीर्वाद चाहिए। वो उनको फिर से मौका दिया जाएगा, वो नहीं आएंगे। चलिए, अंकल का आशीर्वाद हम सभी को मिला, बॉल उनके हाथों तक गई। ये भैया तीसरे जज आ चुके हैं आपके सामने। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय मिश्रा है, मैं भारतीय जनता पार्टी रामपुर मंडल का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैरिया तीन जज आ चुके हैं सर, विराजित करिए और फेंकिए। अच्छा, और ये बॉल चौथे भी आ चुके हैं भैया। देखिए बॉल कहाँ गिरेगी, गिरेगी तो रामपुर पे ही, लेकिन जिसके हाथों पे गिरेगी, अरे भैया ड्रोन को मत फेंक देना। ये बॉल गई घेरा के बाहर। चौथे जज भी आ चुके हैं, चौथे जज हम सभी के बीच में। भाई साहब, आपका नाम? विकास सिंह दलदल। विकास सिंह दलदल, तो आपने जो बॉल आपके हाथों तक आई थी, किसी से छीनी तो नहीं आपने? क्या बात है, किस्मत आपके हाथों में आ गई, आप मंच पे आ गए। अच्छा, आपके पास मोबाइल वगैरह तो नहीं है ना? किसी के पास सर मोबाइल तो नहीं है आपके पास? मोबाइल हो तो हमें दे दें, हम आपको अगले साल वापस कर देंगे। ठीक है, अगले कार्यक्रम में बैठाइए, बैठिए। पांच हो गए पूरे, एक आ रहे हैं। थैंक यू। एक बॉल अभी जो गई है। अच्छा, किसी को हमारी पेटी चेक करनी हो, बहुत सारे लोग दस्तखत किए हुए हैं, साइन किए हुए हैं, किसी को हमारी पेटी चेक करनी हो तो दो मिनट का टाइम देता हूं, आ जाए और बाउंसर हमारे उनको ससम्मान आने दे। उसमें बहुत सारे लोगों के दस्तखत बने हुए हैं। सर, एक जज हमारे लास्ट जज आ चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम बताएं। यशवर्धन सिंह बघेल। आवाज आ रही है यहां तक। यशवर्धन सिंह बघेल रीवा, आइए बैठिए। और मैं परमादरणीय अमित भैया से निवेदन करना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय परमादरणीय रामपुर विधायक विक्रम सिंह विकी भैया। विकी भैया का स्वागत हो, एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है, लगभग लगभग आज का ये कार्यक्रम आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग जमाएगा। और हम सभी के बीच में उपस्थित जिलाध्यक्ष महोदय नारेंद्र त्रिपाठी जी का भी स्वागत सुनील भैया के हाथों द्वारा। होगी किसकी, लेकिन एक बात तय है, वो कार जो होगी जज लोग इस बॉक्स के अंदर इसको। किस्मत कैद है, देखते हैं वो कार पहले चेक कर लीजिए किसके हाथों में जा रहा है इसकी चाबी। हम सभी के लिए एक बार ही चेकिंग की जा रही है कहीं से बॉक्स लीक तो नहीं है, क्योंकि काफी ऐसा कार्यक्रम बॉक्स को पैक कर दिया गया है, एक्स्ट्रा पर्ची ना डाली जा सके। ये दो साल के ग्राहकों की पर्चियां हैं, जो भी 10,000 से ऊपर की खरीदारी किए हैं जी उनके नाम पता मोबाइल नंबर इस बॉक्स में डले हुए हैं। बिल्कुल, तो अगली बार आपको भी अब ध्यान से देना है, आज के बाद जब भी खरीदारी करने जाए 10,000 से ज्यादा ही खरीदारी करें। और इतना खूबसूरत सा कार्यक्रम और इतने खूबसूरत सा कार्यक्रम में इतने सारे ढेर सारे उपहार के भागीदारी बन गए। बिल्कुल सर, एक बार आप सभी लोग चेक करिए कहीं से लीक तो नहीं है बॉक्स, और इसको खुलवाइए आप। हाँ, खुलवाइए। नहीं खुला है ना, ऊपर से एक जगह बस है चाकू कैंची वगैरह दो भैया, स्लिप जा सकती थी नीचे। आप लोग पीछे हट जाना, सिर्फ जज लोगों को करने देना। बिल्कुल, हाँ तेज करिएगा ना, एक बार शोर चाहते हैं हम पब्लिक का। साउंड बंद कर, ये
ये एक छोटा बच्चा कोई तैयार रहेगा, बच्चा या बच्ची जो 5 साल 7 6 7 साल के बीच की होगी, उसको हमको बुलाना होगा, वही अपने हाथ से पर्ची उठाएंगी। एक प्यारी सी नन्ही सी बच्ची, मैं अमित भैया से रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी भी पर्चियां हैं अब वो इस जगह पे निकाल दी गई हैं, अभी इन्हें मिलाई जाएंगी, इनको मिक्स करना है जैसे भूसा मोया जाता है उस तरह, और इसमें कोई पर्ची खुली हो या ज्यादा मुड़ी तुड़ी हो उसको स्टेपल कर देना है, क्योंकि कुछ लोग बिना स्टेपल के डाल दिए थे। बिल्कुल, 5 लोगों के अलावा छठवां व्यक्ति कोई भी हाथ नहीं लगा रहा है इस पर्ची को, बड़ी पारदर्शिता है, बहुत ही साफ सुथरी यह लकी ड्रॉ होगा। इसमें कोई पर्ची बेटा खुली हो मुड़ी हो तुड़ी हो, हाँ हाँ बेटा आइए। नहीं नहीं, ये अपने समाज का बच्चा नहीं चलेगा, नहीं नहीं दूसरे। अबे दिया हो गया, इसको मिक्स करिए भैया, खूब मिक्स करिए, खूब मिक्स। बढ़िया, पेन कहाँ रख दिया हमने? गाय हुए हैं घर पे आपके? गाय भैंस? बिल्कुल, जैसे भूसा लगाते हैं अपन वैसे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हाँ, एक भी पर्ची इधर उधर ना जाए, सभी पर्ची यहीं पे रहे। बच्चा ये गुड़िया आइए, गुड़िया आओ। हाँ। एक गुड़िया ये सबसे छोटी बढ़िया है। हाँ। एक बीच। हाँ। क्या नाम है बेटा? हनिका त्रिपाठी। अनिका त्रिपाठी। पापा जी का नाम बेटा? गजेश त्रिपाठी। एक तालियां हो जाए बच्चे के लिए, अनिका जी के लिए तालियां हो जाए, क्योंकि इन्हीं के हाथों अब ये पर्ची निकाल के रखना कहाँ है, एक हैंग करने का रहता है, लेकिन कोई स्थान सेलेक्ट कर दिया जाए। वो पेटी मंच कहाँ गया? मंच ये हटाइए टेबल पे ही। ये बच्चा, बाकी लोग जज लोग रहे यहीं, बाकी बच्चे लोग चले जाए, वहां बैठ जाइए। आप आओ। हाँ, आप वहाँ, आप वहाँ। हाँ, कोई बात नहीं, एक ही। इस बच्चे के आंख में बेटा मैं रुमाल बांध दूं? आपके आंख में बंधवाऊं कि नहीं बंधवाऊं? नहीं, ठीक है। बेटा आपको इसमें से एक पर्ची निकालना है, जो पहली पर्ची होगी वो हमारे कार के लिए होगी, और मैं अपनी तरफ से, मेरे एक ही इनाम था कार, लेकिन मैं अपनी तरफ से 10 प्राइज और देने जा रहा हूँ जो उसके बाद निकलेंगी, उनको सबको एक एक ग्राम सोने का सिक्का दिया जाएगा। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए, वाह। तो जो पहली पर्ची निकलेगी वो बेटा आप निकाल के कहीं से भी इच्छा हो इसको खूब मिक्स करो, एक पर्ची निकाल लो, मिक्स करो। आप ऊपर चले जाएंगे? नहीं, अभी आप मिक्स करो, मिक्स। हाँ, हाथ ऐसे चलाइए, हाँ ऐसे ही, और बस एक पर्ची उसको वहां पे रख दो बेटा, वहां पे रख दो, टेबल पे रख दो। ये टेबल पे हो गई है, हमारा पहला विनर की पर्ची है भाग्यशाली की, जो कार ले जाएगा। बोलना नहीं है जज लोग, बोलना नहीं है आप लोगों को, पर्ची भैया के हाथों देनी है। हाँ, हमारे हाथ में देना है, बोलेंगे सिर्फ हमारे विधायक जी। जी बेटा, पर्ची निकालो कहीं से भी, एक पर्ची वहां से निकालिए, हाँ भैया को दीजिए। हाँ, आप लोग खोलिए, आप लोग पांचों जज चेक करिए, एक पर्ची और निकालिए। जी हाँ, अभी आप रुक जाओ, एक साथ खोलना आप लोग। भैया आप अपने हाथों लीजिए इसे। हाँ बेटा, एक पर्ची और निकालिए। बोलना नहीं है बेटा, किसी को बोलना नहीं है। खोलिए मत, अभी मत खोलिए, मैं बता रहा हूँ, नहीं आप बोल देंगे। हाँ, वही करिए, वही करिए, मैं एक साथ ले लूंगा सभी पर्चियाँ। हाँ बेटा, और निकालिए एक पर्ची, 10 पर्चियाँ निकालनी है टोटल आपको। हाँ, और निकालिए एक, इधर उधर से कहीं से। हाँ, भैया को दे दीजिए, अब एक एक और दे दीजिए इन सभी लोगों को, 5 लोगों को। हाँ, ये 10 लोग
जिनके हाथों में सोना आने वाला है। अभी तक रात में सभी लोग सोते थे, अब आज जाएंगे घर दो सोने के साथ। जाने के बाद सोएंगे ही सोएंगे, सोना भी लेके जाएंगे। दस हो गई, दो दो मिल गई आप सभी लोगों को, एक एक मिली बेटा, और एक बार दीजिए। हाँ, दो आपको मिल गई, आपको भी एक मिली है अभी बेटा यहाँ से। हाँ चलिए ठीक है, उठा लिया आपने, ठीक है हो गई बेटा, दो दो हो गई सभी को। हाँ क्या बात है, आइए आप बैठ लीजिए। अब सभी लोग लाइन से एक सीक्वेंस में खड़े हो जाएं, थोड़ा सा सभी लोग आपको देख रहे हैं। सब लोग पर्ची खोलिए, पर्ची का नाम आप लोग चेक करिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। पांचों लोग अपने सभी पर्चियों को देख लें और हमारे विधायक जी को दे, और विधायक जी को एक माइक दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, नहीं प्रथम वाली सबसे बात खुली, थोड़ा सा खुल चुकी है, बस उसको पढ़ा जाएगा बाद में। सभी पर्चियां खोल लीजिए, खुल गई पर्चियां, ठीक है एक एक सीक्वेंस करके आइएगा। और सभी पर्ची आदरणीय विधायक महोदय जी के हाथों में पकड़ाइए। हाँ एक सीक्वेंस में जी सर, कोई रिकॉर्ड भी लिखते चलो, सुनील भैया आप लिखते चलो। एक ग्राम सोने का कॉइन जीता है राजमणि द्विवेदी, सन ऑफ प्रेमदास प्रसाद द्विवेदी, चोरमारी। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए, पहला नाम आ चुका है। दूसरा नाम आने वाला है, दूसरा इनाम जीता है मनेंद्र प्रसाद मिश्रा, सन ऑफ महेश प्रसाद मिश्रा, हिनौती पोस्ट से जैटा। क्या बात है, दूसरा गोल्ड कॉइन मिश्रा जी के हाथों गया है, श्री मनेंद्र प्रसाद मिश्रा जी। तीसरा नाम, तीसरा गोल्ड कॉइन गया है श्रीमती पूजा सिंह, डॉटर ऑफ श्री मणिराज सिंह, चोरमारी। क्या बात है, तीसरा नाम महिला शक्ति की ओर जाता हुआ। चौथा इनाम जीता है श्रीमती लक्ष्मी केवट, डॉटर ऑफ श्री राम नरेश केवट, ग्राम कुल्लुहा रिछहरी। वाह, जोरदार तालियां हो जाए। चार लोगों के नाम आप सभी के बीच में आ चुके हैं, और जिन लोगों के नाम अनाउंसमेंट हो रहा है वो लोग अपने नाम को बड़े ध्यान से सुने। इसके बाद पांचवा नाम श्री सौखी लाल रावत, सनाफ श्री रघुनंदन रावत, ग्राम छिबौरा। तालियां, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। छठवां नाम श्री राम शिरोमणि द्विवेदी, सनाफ श्री जवाहरलाल द्विवेदी, सेहरुआ वार्ड नंबर एक। छह नाम कंप्लीट हो चुके हैं, चार नाम और आपके बीच में आ रहे हैं। सातवां नाम श्री कमलेश्वर सिंह, सनाफ श्री स्वर्गीय कोकिला प्रसाद सिंह, सिजहटा। क्या बात है, सिजहटा वाले भाई साहब ने भी बाजी मार दी। आठवां नाम श्री राजा राम साकेत, पिता श्री पतिवा साकेत, ग्राम लदेरा लेदरा। ये आठ नाम कंप्लीट हो गए। नाम का अनाउंसमेंट एक बार फिर से होगा। नौवां इनाम श्री विवेक सिंह, सन ऑफ श्री मधुराज सिंह, ग्राम कनेला। और दसवां और लास्ट इनाम है श्री राजेश सिंह, सन ऑफ श्री गोपाल सिंह, पता कुड़िया, बेरा क्रमांक दो। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए परम आदरणीय विकी भैया के लिए और नारायण भैया के लिए, जिनके हाथों से, जिनके मुखार बिंदु से दस नाम हम सभी के बीच में आ चुके हैं। अब ये लास्ट पर्ची को पांचों जज खोल के देखें और मन में फिट कर ले। सब लोग देखें बारी बारी से, बोलना नहीं है, पांचों लोग देखें किसका नाम है और विधायक जी को दे दे। और विधायक जी से मैं अनुरोध करूंगा कि धीरे धीरे मैं जो पूछूंगा तो उसी को बताने की कृपा करिएगा कि। और ये सबसे बड़ा इनाम जिसके लिए पूरी तैयारियां की गई, जिसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया, लकी ड्रॉ, एक टाइटल
जिसके लिए रखा गया। अब वो पर्ची पांच जो हमारे जूरी मेंबर हैं उनके हाथों पर ये पर्ची है, उनको नाम भी पता चल गया, सभी लोग मुस्कुरा भी रहे हैं। भैया आपका अपना तो नहीं है कोई? अरे वाह, मुस्कुराहट इस वजह से छूट रही है कि काश हम भी होते, हमारा नाम होता तो और ज्यादा खुश होते। विधायक जी को दे दीजिए। हाँ, विधायक जी से अनुरोध है कि पहले ये बताएं प्रथम कि वो कोई महिला है या पुरुष है। धीरे धीरे राज खोलना है, धीरे धीरे राज खोलना। महिला सशक्तिकरण का जमाना है तो महिला ही होगी। अरे वाह, ये पहला इनाम कोई महिला पाई है इस कार को। अच्छा, मैं दूसरा पूछूंगा विधायक जी से कि विधायक जी तो पूरे क्षेत्र को जानते हैं क्योंकि हमारे बहुत दूर दूर के ग्राहक हैं, तो वो रामपुर बघेलान क्षेत्र से है कि रामपुर के बाहर का है? रामपुर विधानसभा क्षेत्र की है। अरे वाह 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 वाह। अब मैं अनुरोध करूंगा कि सर नेम बता दे उनका। सिंह। अरे वाह। अब विनर के गांव या पता की जानकारी। गांव है अबेर, पोस्ट क्वार्टर। अरे जितने क्वार्टर वाले ने। अब भैया अनाउंसर, अब आप मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही है, अब आप नाम पूछिए विधायक जी से, अनुरोध करिए। तब सभी की निगाहें इस वक्त यहां मंच पर हमारे परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, जो कि आज के इस कार्यक्रम के लॉकी ड्रा विनर, जिनके लिए वो कार, इतनी प्यारी सी चमचमाती हुई कार कौन लेके जाएगा, ये हम उन्हीं के मुखारविंदु से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम उसके पहले चाहते हैं एक बार तालियां हो जाए इतने खूबसूरत से कार्यक्रम के लिए। तो वो नाम आपके बीच में अभी आना चाहिए कि बाद में? आवाज नहीं आ रही, बाद में? हाँ, इधर इधर से आवाज थोड़ा सा और तेज। अभी देखिए, इधर मात्र शक्तियां बैठी हुई हैं, इनकी आवाज तेज है, इधर से आवाज आनी चाहिए, अभी आना चाहिए नाम की बाद में? अरे वाह, अब सेंटर से, अभी नाम आएगी बाद में? ये हुए ना बात। चलिए, तीन बार नाम मैंने बुलवाया, अभी अभी अभी, तो अभी ही नाम आएगा। और आइए अब देखते हैं, जैसे ही नाम आए जोरदार तालियां जरूर बजाइएगा। अब मैं सर को माइक दूंगा और सर अपने तरीके से आपको बताएंगे कि वो नाम किनका है और ये कार किनके हाथों अब सौंपी जाएगी। और आज के इस लकी ड्रॉ के विजेता जिन्होंने रेनॉल्ट क्विड जीती है, उनका नाम है कुमारी आराधना सिंह। क्या बात है, पर्ची आराधना सिंह के पिताजी या जो भी पति है, कुमारी है तो पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम उदय भान सिंह। उदय भान, क्या वो यहाँ उपस्थित है, क्या बता सकते हैं? कुमारी आराधना सिंह जी, इनका नाम हर जगह गूंज और गूंजेगा, इस वजह से इतनी बड़ी कार इन्होंने अब जीत ली लकी ड्रॉ के माध्यम से। कुमारी आराधना सिंह जी क्या यहाँ पे मौजूद हैं? हाँ, उनका उनका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर लगा के आप बताइए। बिल्कुल बताइए जी, जरूर जरूर, स्पीकर खोल देते हैं। देखिए, जिन्होंने लकी ड्रा जीता है वो कहीं और व्यस्त है, लेकिन एक बार हम फिर से डायल करेंगे।
कृपया कुछ समय पर प्रयास करें। उन्हें भी नहीं पता होगा कि अचानक इतना बड़ा सरप्राइज मुझे मिलेगा। अच्छा, ये जो पर्चियां बाकी बची हैं, अब वो मेरे किसी काम की नहीं है। कोई भी भैया, मेरे भैया बहन देर से व्यस्त नजर आ रही हैं इस फोन पे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स हम कॉल करेंगे उन्हें। उनको फोन नहीं लग रहा है। खैर, नाम आ चुका है और ये 10 नाम ढूंढा जाएगा उनको। मैं सुनील